हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज बात करने वाले हैं दो लग्जरी एडिशन स्मार्ट वॉच जिसके बारे में दोनों ही फायरबोल्ट की तरफ से आते हैं, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। एक का नाम है फायरबोल्ट जेलोर और दूसरे का नाम है फायरबोल्ट ज्वेल। दोनों के बीच में 1000 रुपये का फर्क है, तो आपको बताएंगे कौन सी वॉच लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्योंकि 1000 का डिफरेंस है और डिस्प्ले भी इन दोनों का अलग है, तो परफॉर्मेंस के ऊपर हम ज़्यादा बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, किसकी लुक ज्यादा अच्छा है, जिसको लेकर आप अपने पैसे बचा सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये है फायरबोल्ट की ज्वेल और ये है फायरबोल्ट की जेलोर, और दोनों ही जो है लग्जरी एडिशन स्मार्ट वॉचेज है, खास करके फीमेल्स के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा सूट करने वाली है। और आपको दिवाली दिवाली में भी गिफ्ट करना हो तो ये वॉचेज जो है काफ़ी परफेक्ट रहेंगी। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं, तो ज्वेल के अंदर हमको 1.85 इंचेस का हाई रेजोल्यूशन वाला HD डिस्प्ले देखने को मिलता है 320x386 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ। और वहीं जेलोर में हमको 1.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 368x448 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ में। अब आप डिस्प्ले में भी फर्क देख सकते हैं, जो एमोलेड डिस्प्ले है यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लैक कलर अच्छे से उभर के आ रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ग्रेश हो जाता है HD डिस्प्ले में। बेजल की बात करें तो दोनों ही वॉचेस में मोटे मोटे बेजल है, लेकिन जेलोर के अंदर थोड़े से ज्यादा बड़े बेजल हमें देखने को मिले, तो नीचे से भी आप देख सकते हैं काफी बड़े बेजल हैं, तो बेजल कम हमको यहाँ पे ज्वेल में देखने को मिलते हैं। बाकी बॉडी की बात करें तो दोनों ही वॉचेस मेटल बॉडी के साथ आती हैं, और ज्वेल के अंदर जो है ऐसा पूरा ज्वेलरी वाला डिजाइन दिया गया है, जो कि काफी अच्छा लगता है, काफी यूनिक डिजाइन है ऐसा किसी स्मार्ट वॉच में देखने को मिला। और वहीं जेलोर के अंदर जो है पूरे के पूरे डायमंड वायमंड लगा के दे दिए गए हैं, ताकि इसकी लुक जो है काफी जबरदस्त हो जाए। दोनों ही वॉचेस में एक फंक्शनल क्राउन बटन देखने को मिलता है, तो वो भी काफी बढ़िया चीज है, मतलब इसे फीचर ऑपरेट कर सकते हैं, मेन्यू ऊपर नीचे कर सकते हैं। बटन जो है जेलोर का काफी स्टाइलिश है, यहाँ पे भी जो है डायमंड लगा के दे दिया गया, जिससे लुक जो है वो भी जबरदस्त हो जाती है। बैक साइड की बात करें तो दोनों ही वॉचेस में प्लास्टिक की बैक देखने को मिल जाती है, और सेंसर भरपूर लगे हुए हैं, तो मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी भी हमें अच्छी देखने को मिलेगी। वेट की बात करते हैं दोस्तों, तो ज्वेल का वेट निकल के आता है 139 ग्राम, थोड़ी सी हैवी है वॉच, स्ट्रैप क्वालिटी इसकी जो काफी जबरदस्त है। और वहीं जेलोर का वेट निकल के आता है 115 ग्राम, मतलब लगभग 25 ग्राम इसका वेट कम है। स्ट्रैप की बात करें तो दोनों में 22mm का स्ट्रैप देखने को मिलता है, और इनमें जो है और भी अलग टाइप के स्ट्रैप वेरियंट है जिनका यूज कर सकते हैं। लॉकिंग सिस्टम की बात करें तो जो ज्वेल का स्ट्रैप है इसका जो लॉकिंग सिस्टम काफी अच्छा है, ड्यूअल लॉक सिस्टम मिल जाता है, और वहीं जो जेलोर है उस पर सिंगल लॉकिंग सिस्टम है, और ये जो है कुछ टाइम बाद थोड़ा लूज होना शुरू हो जाता है। बाकी देखिए इसका स्ट्रैप एडजस्ट करना थोड़ा सा ज्वेल का जो है मुश्किल है, कहीं देखिए निशान भी नहीं दिया गया है, मैंने काफी कोशिश करी थी लेकिन इसकी जो एडजस्टमेंट होनी पड़ती है, आपको शॉप से इसका जो साइज है चेंज कराना पड़ेगा। पहनने में तो देखिए काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है, आप देखिए मेरी मीडियम रिस्ट और डायल ने पूरा इसको कवर कर लिया है, तो स्मॉल रिस्ट वालों पे थोड़ी बड़ी लगेगी, उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, मीडियम और बड़ी रिस्ट के लिए काफी ज्यादा। और पहनने में तो देखिए जेलोर भी काफी ज्यादा खूबसूरत सी स्मार्ट वॉच लगती है, डायल देखिए मेरी मीडियम रिस्ट पे इसने भी पूरा कवर कर लिया है, तो भी स्मॉल रिस्ट पे थोड़ी सी बड़ी रहेगी, मीडियम और बड़ी रिस्ट पे काफी ज्यादा सूट करेगी। अब देखिए जो रेडिस प्रो वेकअप का फंक्शन है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगाने के बाद काम नहीं करता है जेलोर में, और वैसे नॉर्मली ये काम कर देता है, और इसका रिस्पांस भी काफी सही है, लगभग आधे सेकंड में जो है वॉच का डिस्प्ले ऑन हो जाता है। ज्वेल का भी रेडिस प्रो वेकअप का रिस्पांस काफी बढ़िया है, काफी जल्दी डिस्प्ले है, 1 सेकंड से भी कम समय में ऑन हो जाता है। आउटडोर विजिबिलिटी देखिए दोनों ही वॉचेस की अच्छी, लेकिन जेलोर की यहाँ ज्यादा बढ़िया, जेलोर में 500 निट्स आराम से देखने को मिल रही होगी, और ज्वेल के अंदर आई थिंक 450-500 निट्स देखने को मिल जाएगी। डस्ट एंड वाटर प्रूफिंग में देखिए दोनों ही वॉचेज IP67 पे आते हैं, मतलब 1 मीटर तक गहरे पानी में लेके रखते हैं, हैवी रेन, हैवी स्प्लैशेस एंड हैवी स्विमिंग से बचा के रखना पड़ेगा। फीचर्स की बात करें दोस्तों, ऊपर से स्वाइप करते कंट्रोल सेंटर खुल जाता है, और ये पूरा ओल्ड एमोलेड वाला जो इनका UI था DFIT का वो दिया गया है, और इसमें जो है नॉर्मल वॉचेस के लिए जो HD वॉचेस के लिए UI आता है DFIT का वो दिया गया है, और ऑलमोस्ट सेम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ऊपर को स्वाइप करते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाते हैं, लेफ्ट को स्वाइप करने के बाद कॉलिंग के ऑप्शन आ जाते हैं, पूरे दिन की एक्टिविटी डिटेल, स्लीप ट्रैकर, हार्ट रेट मॉनिटर, BP मॉनिटर, SPO2 मॉनिटर, देखिए ऑप्शंस भी सेम ही आ रहे हैं। उसके अलावा म्यूजिक प्लेयर, AI वॉइस असिस्टेंट, वेदर अपडेट्स और एड कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ थोड़े से ऑप्शन जो अलग हो जाते हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमें ज्वेल के अंदर, 8, 10 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं जेलोर के अंदर। राइट को स्वाइप करते ही देखिए रीसेंट ऐप्स आ जाती है जेलोर में, जो कि नहीं दी गई है ज्वेल के अंदर, तो यहाँ पे जो आप है रीसेंट ऐप्स का जो शॉर्टकट आए थे उनको आप एक्सेस कर सकते हैं फटाफट से। मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग सारे के सारे सेम ऑप्शन ही हमें देखने को मिल जाते हैं, वर्कआउट, वेदर अपडेट्स, टाइमर, अलार्म पे एक बार चेक कर लेते, तो अलार्म जो है दोनों ही वॉचेज में आप टाइम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ इनेबल डिसेबल करने का जो ऑप्शन दिया गया है। बाकी ब्रीथ मोड दोनों के अंदर दिया गया है, स्टॉप वॉच है, टाइमर है, फीमेल साइकिल ट्रैकर हमें ज्वेल के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। गेम्स की बात करते हैं तो 4 गेम्स हमें ज्वेल में देखने को मिलते हैं, थोड़ी अलग अलग टाइप की है, देखिए हैमस्टर वगैरह, और 2 गेम्स हमें देखने को मिलती हैं जेलोर के अंदर। बाकी वॉइस असिस्टेंट दोनों में दिया गया है,
बाकी सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, अदर्स में जाते हैं तो डिस्प्ले की सेटिंग्स के अंदर देखिए ऑटो स्लीप टाइम दोनों ही वॉचेस में 30 सेकंड है। बाकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, वॉच फेस चेंज कर सकते हैं। मेन्यू व्यू की बात करते हैं जरा, तो दोनों के अंदर दो दो ही मेन्यू स्टाइल दिए गए हैं। बाकी वही वाइब्रेशन की सेटिंग है कि आपको रिंग चाहिए जब कॉल आए तो या वाइब्रेशन चाहिए, वो चीजें आप सेट कर सकते हैं। बाकी डीएनडी मोड, थिएटर मोड, लो पावर मोड वगैरह कॉलिंग के ऑप्शन पर रिसेट कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर जेलोर में दिया गया है क्योंकि ये एमोलेड स्मार्ट वॉच है, तो इसके अंदर दो वॉच फेस देखने को मिलता है, एनालॉग एक डिजिटल। तो एक कुछ इस तरीके से एनालॉग वाला वॉच फेस आ जाता है और ब्राइटनेस जो है काफी ज्यादा कम है, आपका आउटडोर में तो ये नजर ही नहीं आने वाला। और ये डिजिटल वॉच फेस हमें देखने को मिला था ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। स्पोर्ट्स मोड की बात करें, देखिए ज्वेल में 110 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं और जेलोर के अंदर 120 देखने को मिलते हैं। सब कुछ लगभग सेम ही है, देखिए रिट्रेनिंग रोइंग मशीन लास्ट में आ रहा है। प्लस का बटन दबाएंगे तो अंदर भी आपको सब सेम मिले, क्योंकि एक ही कंपनी ने डिजाइन करी है, डीए फिट की जो कंपनी है वहीं से दोनों वॉचेस आई हैं, तो आपको ज्यादा चीजें सेम देखने को मिलेंगी। कस्टम गोल्स का ऑप्शन दोनों वॉचेस में देखने को मिलता है, जब भी आप वर्कआउट पे क्लिक करेंगे तो देखिए वर्कआउट स्टार्ट हो जाएगा, बस प्रेजेंटेशन अलग है। अंदर का डेटा भी जो है सेम ही देखने को मिलता है, स्टेप्स का, बीट्स पर मिनट, कैलोरीज काउंट का और डिस्टेंस का। बाकी इसमें म्यूजिक प्लेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते ड्यूरिंग द वर्कआउट, बस स्टॉप और पॉज का ही ऑप्शन दिया गया है। स्टेप काउंट रेगुलेटर की बात कर दीजिए, 200 स्टेप्स चला तो 192 है ज्वेल में एंड 198 है जेलोर में। एंड फाइनली 500 स्टेप्स चला तो 460 कैप्चर किए ज्वेल ने एंड 495 जेलोर ने। ज्वेल का जो है स्टेप काउंट थोड़ा कम निकल गया, लेकिन है नहीं क्योंकि स्ट्राइप इसका काफी लूज था, इसलिए इस बार जो है कम कैप्चर किया इसने। वॉच फेसेस दोनों ही वॉचेस में 100 प्लस देखने को मिले, तो वे डीए फिट वाले हैं और इनबिल्ट में भी कुछ ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, जैसे मुझे लगा फीमेल वाली वॉचेस होंगी थोड़ी सी क्रिएटिविटी होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। कस्टम वॉच फेस का सपोर्ट दोनों वॉचेस में देखने को मिल जाता है। दोनों ही वॉचेस में देखिए हिंदी नोटिफिकेशन का सपोर्ट मिलता है और फॉन्ट साइज जो है ज्वेल का थोड़ा सा बढ़िया है, मतलब इतना तो होना चाहिए कम से कम, जेलोर का काफी छोटा फॉन्ट साइज देखने को मिलता है। इंग्लिश नोटिफिकेशन की बात करें तो देखिए दोनों में ही सेम लेंथ का देखने को मिल जाता है क्योंकि दोनों डीए फिट वाली है हमें, तो 8-10 लाइन का नोटिफिकेशन आप इसमें इंग्लिश का पढ़ सकते हैं। हाँ, अब तुम्हारी भी लाउड आ रही है, मतलब अब आवाज इसकी ठीक है, तो आउटडोर में भी आपको मजा आ जाएगा इसकी स्पीकर से। कोई ब्रेक हो रही हो, कोई लैग हो रहा हो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो इसमें वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन और म्यूट का ऑप्शन दिया गया दोस्तों। हेलो, स्पीकर तो अच्छा है, आवाज़ कैसी आ रही है मेरी? मुझे भी काफ़ी सही आवाज़ आ रही है, मतलब आउटडोर में भी इसका स्पीकर अच्छे से काम करने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ब्रेक हो रही हो, लैग हो रही हो आवाज़? बैटरी बैकअप देखिए दोनों ही वॉचेस का ऑलमोस्ट सेम है, 2-3 दिन हैवी यूसेज में चल जाएगा और 4-5 दिन नॉर्मल यूसेज में। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की वजह से जेलोर में थोड़ी बैटरी जल्दी कंज्यूम हो जाती है। तो वीडियो तो आपने देख लिया होगा दोस्तों, काफी कांटे की टक्कर है दोनों स्मार्ट वॉचेस। अब सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी जो है ज्वेल की मुझे ज्यादा पसंद आई है, इसका स्ट्रैप जो है ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का है। हालांकि जेलोर के अंदर भी काफी ज्यादा वेरिएंट अवेलेबल है, लेकिन स्ट्रैप क्वालिटी की अगर बात करो, बिल्ड की जो बात करो, जो ज्यादा प्रीमियम लुक देती है वो दे रही है इस टाइम पे ज्वेल की। प्लस जो जेलोर है उसका जो नीचे का बटन है उसको दबाने में भी कभी कभी दिक्कत फेस आ रही है, काफी प्रेस करना पड़ता है। और इसमें एक चीज मुझे ये अजीब लगती है कि मेन्यू जो है ऊपर वाले बटन से चलाएंगे, लेकिन उसको बैक करना है तो आपको नीचे वाले बटन से करना पड़ेगा, होम स्क्रीन पे जाना है तो ये बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि एक बटन होता है तो उसी में बैक करने का भी ऑप्शन देना चाहिए होम स्क्रीन पे जाने का, लेकिन उसके लिए आपको नीचे का बटन प्रेस करना पड़ता है, तो यहाँ थोड़ा सा जो है मजा थोड़ा सा खराब हो जाता है। उसके अलावा दोनों ही वॉचेस में सिर्फ एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फर्क है, जबकि ज्वेल के अंदर ज्यादा बिल्ट इन गेम्स भी दी गई है, तो मतलब ये थोड़ी सी और आगे निकल जाती है। वॉच फेसेस वही डीएफई टाइप वाले हैं, मुझे लगता था कि इस लग्जरी एडिशन में लेडीज वाले वॉच फेस भी होंगे जो अच्छे से लगते होंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है दोनों ही वॉचेस में। अब जरा प्राइस रेंज की बात करें, दोनों में 1000 रुपये का फर्क है। ज्वेल आती है 2999 में और जेलोर आती है 3999 में। तो मेरे हिसाब से मतलब 3999 को जिसका थोड़ा ज्यादा प्राइस लग रहा है, क्योंकि इसका जो पूरा यूआई है वो पूरा फायरबोल्ट विजनरी वाला यूआई है, A to Z, मतलब विजनरी अगर आप देखेंगे, विजनरी अल्ट्रा देखेंगे, सेम टू सेम देखें, बस बॉडी का थोड़ा फर्क आया था। तो 3999 मेरे हिसाब से इसका प्राइस जो है थोड़ा ज्यादा लग रहा है, और वो आई थिंक ज्यादा इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जितनी सारी कलाकारी की गई है, जो डायमंड व्यूमंड लगा दी गई, इस वजह से इसका प्राइस ज्यादा है। लेकिन अगर ज्वेल की बात करो तो इसका प्राइस पूरा मुझे जस्टिफाइबल लगा 2999 हिसाब से। बिल्ड क्वालिटी भी नहीं गई, उस हिसाब से लुक्स भी दी गई, पूरी की पूरी स्टेनलेस स्टील की वॉचें बन के आ जाती है। तो अगर मेरी बात करें चॉइस की, तो मैं ज्वेल पे जाना ज्यादा पसंद करूंगा, हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले एमोलेड की टक्कर का भी है। आपकी क्या राय, आप कौन सी स्मार्ट वॉच पे जाना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बता। और अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट प्राइमर वेरिएबल्स को विजिट नहीं किया तो आप बहुत सारी डील्स मिस कर रहे हैं, उसमें हम काफी अच्छे अच्छे ऑफर निकालते हैं, काफी स्मार्ट वॉचेस के ऊपर डील डालते हैं, तो उस वेबसाइट को विजिट करना ना भूले। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर ले फॉर अमेजिंग डील्स, डिटेल्स जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलेंगे अगले वीडियो में, नया कंपेरिजन लेंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।